हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो हमारा सीटेट का एग्जाम है उसको हम 2 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कल ही इसके फॉर्म है वो आउट हुए हैं और आज से इसकी फॉर्म फिलिंग है वो 17 से स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे आप यहाँ पे आप देखोगे ना तो क्या होगा आपके पास अब कितना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल से जो सीटेट के फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास 2 ही महीने आप अप्रोक्स लगा के चलो, क्योंकि जो 5-10 दिन होते हैं वो तो ऊपर नीचे ऐसे ही हमारे कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो जाते हैं। तो 2 महीने आप मान के चलो आपके पास है, तो क्या 2 महीने एनफ टाइम है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए? अब देखो, बोलने वाले ऐसे भी बोलते मिल जाएंगे कि 10-20 दिन में सीटेट क्वालिफाई हुआ है, क्वालिफाई हो भी जाता है बच्चों का, लेकिन उनका क्या होता है, उनकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूएशन में होती है, उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, तो वो उनके पास कुछ उनके जो साइड क्वालिटीज होती है ना वो उनको काम आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये नहीं बोल सकते हम कि 2 महीने में हमारा सीटेट है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 महीने में हम ये बोल सकते हैं कि एक अच्छा टाइम है आपके पास, आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाओ। और साथ में देखो, 7-8 दिसंबर को एसटेट भी होने वाला है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि दिन में आप 8-9 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप सीटेट एसटेट दोनों को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर 8-9 घंटे हैं, क्योंकि वहां पे फिर आपको अपना टाइम है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि ना, तो क्या बताओ बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ना तो सीटेट हो पाए ना एसटेट हो पाए, तो उसके बाद अफसोस बचेगा। अगर आपके पास 8-9 घंटे हैं पढ़ाई को, तो ही आप इन दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हो। अब देखो, सीटेट का एग्जाम है वो भी कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग है जो जनरल कैटेगरी होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने होते हैं, 90 मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये सबसे अच्छी बात होती है इसकी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे आता क्या है, एक बार हम ये देख लेते हैं, 30 नंबर की जो CDP है वो आती है यहाँ पे, उसके बाद 30 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की इंग्लिश आती है, और यहाँ पे 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको 60 नंबर की हिंदी मिलेगी, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको सब्जेक्ट, ये है किसके लिए, TGT के लिए। यहाँ पे PGT का कोई भी सीटेट नहीं होता, तो TGT में ये होता है, इंग्लिश है तो 60 नंबर की इंग्लिश आएगी, और SST है तो 60 नंबर की SST आएगी। लेकिन साइंस मैथ में क्या होता है, यहाँ पे साइंस मैथ में क्या होता है, 30 नंबर की साइंस आती है और 30 नंबर का मैथ आता है। और एक बार में ही आप, अगर आपके पास आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाता है, और आगे जो वैकेंसीज होती है KVS की या दिल्ली में या चंडीगढ़ में, तो वहां पे आप TGT साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, TGT मैथ के लिए भी। एक वाला सीटेट है वो आप दोनों के लिए मान्य होगा, लेकिन एसटेट में ऐसा नहीं होता। एसटेट में क्या होता है कि हमें एसटेट मैथ का अलग देना पड़ता है और एसटेट साइंस का अलग देना पड़ता है, लेकिन सीटेट में ये वाली सहूलियत हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ से क्या होता है, एसटेट में क्या होता है, यहाँ से 30 की हिंदी है, 30 की इंग्लिश, तो 15 मार्क्स यहाँ से काट लेके, 15 मार्क्स यहाँ से काट लेके वो क्या ऐड कर देता है, GK रीजनिंग और मैथ ऐड कर देता है। तो यहाँ से ये 15 15 मार्क्स निकाल के वहां पे वो वाला पोर्शन है वो इंक्लूड हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे देखो, 30 वाली हिंदी में से क्या आता है, पैसेज आती है, पैसेज आता है, और साथ में क्या आती है, ग्रामर, ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो पैसेज में से आपको ये मान नहीं मान के चलना कि पैसेज हम फुली अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां से आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एंड टाइम पे वहां पे नहीं हो पाता। तो ये वाला किसका, किसके लिए रहेगा, आपका TGT के लिए रहेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, PGT, PGT में तो होता ही नहीं, PRD, PRT में देखो ये वाली चीजें सेम रहती है, 60 के सब्जेक्ट में वहां पे क्या आता है, 30 की EVS आती है और 30 का मैथ आता है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास ये वाली चीजें हैं, तो अब आपने ये देखना है कि 2 महीने में आप इन चीजों को कैसे करोगे। तो देखो, कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले आपने उसके PYQ तो करने ही करने हैं, और CTET एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें से NCERT में से लाइन बाय लाइन है वो उठ के आ जाता है। आपने किसी भी कोचिंग पे बेस नहीं होना है, अगर आप NCERT है वो अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे। इनके लिए आपने PYQ कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे देखो, 30 की CDP आती है। अगर यहाँ पे हम बात करें CDP की, तो CDP है वो आपको सबसे जो बेस्ट है CTET के लिए, जैसे मैंने STET के लिए बताया था आपको निशा शर्मा मैम की, तो CDP के लिए हिमांशी मैम की और सचिन चौधरी सर की,
सर की आप इनकी CDP है वो देख सकते हो, आपको कोचिंग की भी नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोचिंग बिना नहीं हो पाएगा तो आप इनकी कोचिंग ले सकते हो, इनका अलग से भी बैच होता है। और देखो वैसे तो इनका यूट्यूब पे ही इतना मटेरियल है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ पे CTET के लिए इन दोनों चैनल है, वहाँ पे आप जा सकते हो CDP के लिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश है, वहाँ पे आपने क्या करना है, पैसेज और ग्रामर दोनों के क्या करके देखने हैं, PYQ करके देखने हैं, और जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बचता है हमारा सब्जेक्ट। अब एक बार हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, देखो सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में क्या होगा कि TGT है जैसे हमारा, तो अगर हम साइंस से करेंगे तो हमारे पास साइंस और मैथ आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 to 8 की जो NCERT है उनको अच्छे से करना है। उसके बाद जैसे आपको पास क्या बचेगा, उसके बाद PRT है, तो उसमें आपने EVS करनी है 1 to 5 की और मैथ करना है 1 to 5 का। वैसे ही अगर आपके पास इंग्लिश है तो ग्रामर वाला पोर्शन भी रहेगा और साथ साथ में आपके पास 6 to 8 की जो NCERT की बुक्स हैं वो रहेंगी। और ऐसे ही SST है तो वैसे भी आपकी 6 to 8 की NCERT। तो यहाँ पे देखो अब ये बात आती है कि कैसे आप इसको क्वालिफाई करोगे, आपने क्या करना है, देखो इनकी NCERT को करो, जगह जगह से मटेरियल ढूंढने की बजाय एक एक लेसन इनका डेली उठाओ, एक लेसन आपने डेली कंप्लीट करके ही करके सोना है, अगर आप ये वाला देख रहे हो या ये वाला देख रहे हो। उसके बाद NCERT साथ में इसके PYQ लगा के देखो, तो यहाँ पे फिर आपसे कोई भी वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अपने लेवल पे इन चीजों को करोगे, यूट्यूब पे आपको एक ही चीज की हजारों वीडियो मिल जाएंगी। पहले आपने क्या करना है, आपने NCERT को उठाना है और उसको करना है। अगर आपको NCERT वैसे समझ नहीं आती तो यूट्यूब से वीडियो ढूंढ ढूंढ के आप वहां से NCERT जो लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं वहां से पढ़ लेना, बेशक से वो वाली चीज आपके काम आ जाएगी। पहले आपने NCERT पढ़ना है, उसके बाद आपने PYQ पढ़ने हैं। तो ये वाली चीज मस्ट हो जाती है किसी भी तैयारी में कि पहले अपना जो सिलेबस उसको करो, उसके बाद वहाँ के प्रीवियस ईयर है वो लगा के देखो। और CDP के लिए मैंने आपको बता दिया हिमांशी मैम की इंग्लिश हिंदी का, आप वहां से आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, NCERT मस्ट है और साथ में उसके PYQ मस्ट है। तो आपके पास 2 महीने हैं, आप देख लो। CDP आपने SAT के लिए भी पढ़नी है, CDP यहाँ भी आएगी, टॉपिक सेम रहते हैं। लेकिन वहाँ पे देखो अगर आपने CDP SAT के लिए जाना है तो निशा शर्मा मैम वाला चैनल है, क्यों, क्योंकि वो डाटा बेस्ड फैक्ट बेस्ड SAT में आता है। और अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं CTET में तो वहाँ पे आपको जो CDP मिलेगी हिमांशी मैम की और सचिन चौधरी सर की, बहुत ही अच्छी CDP है, वो वहाँ से आप ले सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। यूट्यूब चैनल भी वहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आपने क्या करना है, NCERT करनी है, और क्या बचा हमारे पास, और हिंदी इंग्लिश के लिए एक ग्रामर करनी है और पैसेज वाले जो पीछे आए हुए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये मत समझना कि टाइम पे ही हमें आ जाएंगे। तो अगर ये वाली चीजें आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो तो 2 महीने में आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।